पूरा सेट हो जाए। हाँ, उसके बाद कारपेट, तो थोड़ा सा लुक भी एक वैसा लगने लगेगा। हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल परमार एसएससी पर। और हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम एसबी बक्सी बुक, जो स्टूडेंट के बीच में बहुत ही फेमस बुक है, उस बुक के टॉपिक जर्नल ऑब्जेक्ट्स जो सेकंड टॉपिक है, उसके हम लोगों ने ऑलरेडी 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लास्ट सेशन में कवर अप कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड नंबर 41। होपफुली ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। ये सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए इन सभी को आप प्रॉपरली इनका नोट्स बनाते जाएं। पीडीएफ आपको, सभी के सभी पीडीएफ आपको मिलने वाली है परमार एकेडमी ऐप पर, तो वहाँ से जा करके आप उसको और ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वर्ड नंबर नेक्स्ट से। और अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड की अगर हम चर्चा करें तो दैट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिसको आप टाल नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उस चीज़ को इनएविटेबल बोलते हैं। क्लियर? अब इसको किस तरीके से याद करोगे, देखिए एक निमोनिक्स के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। IN लिखा हुआ है बच्चा, और ये क्या लिखा हुआ है? VITA। क्लियर? तो इसको अगर आप बनाओगे तो देखो VIT एक रूट होता है, और ये किसके लिए आता है? ये विटामिन के लिए आता है, ये विटामिन के लिए आता है। क्लियर? तो अगर हम बात करें तो ये विटामिन के लिए आता है। क्लियर? किसके लिए आता है? विटामिन। और आगे अगर ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं टैबलेट से मिलता जुलता वर्ड है। तो कह रहा है इन विटामिन की टैबलेट को अगर आपने क्या करना है भाई, नहीं छोड़ना है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, इनको लेना बहुत आवश्यक है। तो आई होप ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। वही लिख रहा है, क्या लिख रहा है? दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और इसी में से, इस वर्ड में से अगर आप IN हटा दोगे तो ये वर्ड क्या बनेगा? ईवी टेबल बनेगा। इसका मतलब जिस चीज़ को आप क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो। जो अवॉइडेबल है उसको क्या बोलोगे? ईवी टेबल बोलोगे। आई होप होपफुली ये वर्ड आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। ये कह रहा है इंडिस्पेंसिबल। डिस्पेंसिबल और इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है जिस चीज़ को आप अलग नहीं कर सकते हो वो डिस्पेंसिबल होता है। वो जिस चीज़ को आप अलग नहीं कर सकते, जैसे आपका कोई बहुत ही क्लोज पर्सन है, उसको क्या नहीं, उससे अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते, वो कैसा है? इनडिस्पेंसिबल, वो डिस्पेंसिबल है। लेकिन लेकिन IN लगने से आपको पता है कि कैसा हो जाता है, वर्ड अपोजिट हो जाता है। तो ये आपका क्या कह रहा है? दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस विथ, जिससे अलग नहीं हो सकते हो, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? इनडिस्पेंसिबल बोलते हैं। क्लियर? जैसे बोलते हो ना, दो जिस्म एक जान। क्लियर? उसी तरीके कुछ फीलिंग इस वर्ड से आ रही है। क्या कहना चाह रहा है? इनडिस्पेंसिबल, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, अपने से जुदा नहीं कर सकते। जैसे कहते हो ना भाई, अगर लव करना है तो सोल टू सोल करो। क्लियर? बॉडी में क्या रखा है? आत्मीय प्यार करो। आत्मीय प्यार का मतलब समझ रहे हो, जो इनडिस्पेंसिबल है, जो कभी भी आपको जुदा नहीं करने वाला है। जैसे आपने देखा होगा स्पिरिचुअल ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो राइटर क्या कहता है कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो इन सब चीजों से ऊपर है। क्लियर? तो उससे आप करो, क्योंकि वो कैसी है? वो इंडिस्पेंसिबल है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। फिजिकल ब्यूटी एक दिन क्या होने वाली? खत्म हो जाने वाली, समाप्त हो जाने वाली। जैसे जैसे एज बढ़ेगी फिजिकल ब्यूटी डिके होते जाएगी। इसलिए आपको किसके पीछे भागना है? स्पिरिचुअल ब्यूटी के पीछे भागना है, ना कि फिजिकल ब्यूटी के पीछे भागना है। गोरे को मोती जैसे गाल, इस तरीके की आपने पूरी स्टोरी पढ़ी होगी ट्रू ब्यूटी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। आइए अगले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। मैं अगले वर्ड की तरफ आपको ले चलता हूं। बहुत ही प्यारा वर्ड है ये भी। कह रहा है इंटररेग्नम। इंटररेग्नम वर्ड से ही क्लियर करेंगे। कह रहा है एक ऐसा काल, एक ऐसा पीरियड जो बहुत ही अराजक काल है, संक्रमण काल है। हिंदी में कहोगे तो बच्चा इसको क्या बोलोगे? संक्रमण काल। संक्रमण काल। और कैसे याद करोगे, मैं जरा एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूं और बड़े आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। या फिर अराजकता वाला जो काल है, अराजकता वाला जो काल है, जो टाइम ड्यूरेशन जिसमें अराजकता बहुत ज्यादा रही है, उसको बोलते हैं इंटररेग्नम। और इंटर का मतलब आप समझ रहे हो। क्लियर? और रीगन का मतलब आप जानते हो क्या भाई? एक तरीके का रीजन से है, एक तरीके के रीजन से,
जिस रीजन में बहुत ज्यादा अराजकता रही हो उसको क्या बोलते हो, इंटर रेगनम बोलते हो। जैसे इस वर्ड को जरा ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रेगमीज एंड गवर्नमेंट्स, क्लियर। तो उसको आप क्या बोलते हो, इंटर रेगनम बोलते हो। इंटर से इंटरवल ध्यान रखिएगा, इंटर से इंटरवल ध्यान रखिएगा। इंटरवल का मतलब टाइम ड्यूरेशन से हो गया, और रीगम का मतलब किससे, रीजन से ध्यान रखिएगा। तो दो रीजन के बीच का जो अराजकता वाला टाइम है, जिस समय बहुत ज्यादा एनार्की है, बहुत ज्यादा क्योस है, उस चीज को आप बोल सकते हो। जिस समय उसामा बिन लादेन को मारा गया, उसके बाद जब नया कोई हुआ, उनके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन, जिस समय बहुत ज्यादा एनार्की फैली, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर रेगनम बोलते हैं। और ध्यान रखना बच्चा, एनार्की एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, एनार्की का मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं बच्चा अराजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अराजकता बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं बच्चा कियोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, कियोस बोलते हैं, ठीक है। चौटिक भी बोलते हैं, या फिर एक वर्ड ये भी बोलते हैं, टपसी टर्वी। क्या बोलते हैं बच्चा, टपसी टर्वी बोलते हैं, क्लियर। तो ये भी इसी तरीके का वर्ड है आपका, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो फिलहाल ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, इंटेलिजिबल। और आपको पता है लेजी वर्ड पढ़ने के लिए आता है, रीड के लिए आता है। तो जो टेलिजिबल है, एबल मतलब योग्य होता है, लगातार बता रहा हूँ मैं आपको, एबल, एबल को एबल से ध्यान रखो। जो टेलिजिबल है, जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो, टेलिजिबल है। और आई एन हमेशा कैसा होता है, निगेटिव प्रिफिक्स होता है। इनटेलिजिबल है जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, इनटेलिजिबल बोलते हैं, क्लियर। ओके चलिए, समझ आ रही बात, आइए इसी तरीके से देखिए वर्ड, देखिए क्या कहना चाह रहा है, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको आप समझ नहीं सकते हो, कैसा होता है, अनइंटेलिजिबल होता है। वो कैसा होता है, इंटेलिजिबल होता है। और अनइंटेलिजिबल, यहाँ पर अन नहीं होना चाहिए था, सॉरी एक मिनट, इंटेलिजिबल लिख रहा है, और यहाँ पर होना चाहिए था इंटेलिजिबल, क्लियर। यू एन नहीं होगा, इंटेलिजिबल केवल होगा, क्लियर। चलिए अगले वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, लूनर। लूनर वर्ड कैसे याद करना, बिल्कुल आसान सा वर्ड है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। लूनर वर्ड एक सेकंड में आप याद करोगे, कैसे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, एल यू एन एक रूट होता है बच्चा, एल यू एन एक रूट होता है, एल यू एम एक रूट होता है, और दोनों का मतलब सर किससे होता है, लाइट से होता है। किससे होता है सर, लाइट से होता है। एल यू एन, एल यू एम दो तरीके के रूट है, जिनका मीनिंग कैसे है, लाइट से है, क्लियर। इसी से वर्ड बनता है आपका क्या, जैसे इसी से वर्ड, और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक वर्ड इसी समझ लो, जैसे एक वर्ड आता है लुमिनस। लुमिनस वर्ड कैसे बना है बच्चा, आप आसानी से पोस्टमार्टम कर सकते हो। कैसे पोस्टमार्टम करोगे सर, ओ यू एस लगाए, ओ यू एस लगने से क्या होता है सर, एडजेक्टिव बनता है। एल यू एम किसको बताता है सर, लाइट को बताता है। तो कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, लाइट देता है, जो लाइटफुल है, लाइट इमिटिव है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, लुमिनस बोलते हैं, प्रकाशमान बोलते हैं। आप इस बात को समझ पा रहे होगे। और लूनर वर्ड अगर हम बात करें, लूनर वर्ड अगर हम बात करें, तो ये क्या है, एल यू एन इसमें सर लग रहा है, ये ध्यान से देखिए, एल यू एन लगा है, और इसका मतलब लाइट है। और लाइट इसी तरीके से इसका जो लेना देना है वो किससे होता है, चंद्रमा से होता है। चंद्रमा भी क्या होता है, ये भी लाइट को इमिट करने का काम करता है। तो एल यू एन से ध्यान रखिएगा। और लूनर का मतलब किससे हो गया बच्चा, इसका मीनिंग हो गया किससे, मून से। ऐसी कोई भी चीजें जो चंद्रमा से संबंधित हैं, द थिंग्स रिलेटेड टू मून दैट इज कॉल्ड लूनर, द थिंग्स रिलेटेड टू मून दैट इज कॉल्ड लूनर, दैट आर कॉल्ड लूनर, क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, एक वर्ड मैं आपको और कराता हूँ। जैसे लूनर एक्लिप्स सुनते हो आप, चंद्र ग्रहण सुनते हो, तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, लूनर एक्लिप्स होता है। अब इसी तरीके से एक चीज़ और ध्यान देना है, एक वर्ड और आपको जैसे कराता हूँ बच्चा, आता है लूनेटिक। लूनेटिक, लूनेटिक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, आई सी लगने से क्या होता है, जनरली एडजेक्टिव बनता है। और एल यू एन का मतलब क्या होता है सर, लाइट होता है। तो जिसके दिमाग की लाइट चली गई है, जिसके दिमाग की लाइट चली गई है, वो कैसा हो गया, वो पागल हो गया। तो लूनेटिक का मतलब क्या होता है, पागल होता है। अब देखो कितने आसान तरीके से आपको याद हो सकता है। उसके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि एल्यूएन लगा हुआ है, इससे आप डिड्यूस कर पा रहे हो। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि लूनेशी क्या होता है सर, तो लूनेशी इसका नाउन बन गया, इसका मतलब क्या हो गया सर, पागलपन की जो बीमारी होती है, जो पागलपन है,
जो मैडनेस है, जो फर्स्ट साइट एंड लव में हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लूनेशी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लूनेशी बोलते हैं। क्लियर? तो आई होप ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। आइए वापस आते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्या लिखना चाह रहा है, ऑफ द मून, जो चंद्रमा से संबंधित है उसको क्या बोलते हैं? लूनर बोलते हैं। और ध्यान देना बच्चा, जो चीज़ें सूर्य से संबंधित होती है उनको क्या बोलते हैं? उसको सोलर बोलते हैं। सोलर का मतलब होता है द थिंग्स रिलेटेड टू सन, द थिंग्स रिलेटेड टू सन। ऐसी चीज़ें जो सन से संबंधित है, सन से रिलेटेड है, उनको क्या बोलते हैं? सोलर बोलते हैं। और सोलर एक क्लिपर जैसे से मिलता जुलता वर्ड होता है। होपफुली आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा। मैं चलता हूँ आपको अगले वर्ड की तरफ। दैट इज मैडन, दैट इज मैडन। मैडन का मतलब होता है फर्स्ट, मैडन का मतलब होता है सर फर्स्ट, मैडन का मतलब होता है सर फर्स्ट। दो तीन तरीके से इसको यूज करते हैं, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का जो पहला स्पीच होता है उसको भी आप मैडन बोलते हो, पहला भाषण, फर्स्ट स्पीच। किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई पहला कार्य, दैट इज कार्ड, दैट इज आल्सो कार्ड मैडन। और कई बार आप ये भी बोलते हो बच्चा, मैडन गर्ल बोलते हो, मैडन गर्ल बोलते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अनमैरिड गर्ल हो गया। और कई बार आप क्या बोलते हो? मैडन ओवर बोलते हो, मैडन ओवर बोलते हो, इसका मतलब एम्प्टी होता है, इसका मतलब रिक्त होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो मैडन दो तीन तरीके से यूज करते हैं, और ज्यादातर आपको इसका एक एक्सप्रेशन केवल आप याद कर लो और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। दैट इज मैडन स्पीच। मैडन स्पीच का मतलब क्या हो गया? द फर्स्ट स्पीच, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय एनी पर्सन, दैट इज कॉल्ड मैडन स्पीच, दैट इज कॉल्ड मैडन स्पीच। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। आइए ले चलते हूं मैं आपको अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड देखिए ये क्या कह रहा है। आई स्पीच आर एन अटेम्प्ट मेड बाय अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कोई अटेम्प्ट किया गया, पहला बार कोई स्पीच दी गई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उसी को बोलते हैं सर क्या? मैडन स्पीच। क्लियर? मैमल्स, मैमल्स। क्लियर? मैमल्स का मतलब कल डिस्कस किया था मैंने आपको, आपके साथ दो तीन वर्ड डिस्कस किए थे इफ़ यू रिमेम्बर। एक वर्ड याद किया था सर क्या? एक्वेटिक था। एक्वेटिक कैसे होते हैं? जलचर होते हैं। जरा बताओ ये वर्ड किससे बन रहा है, कौन सा रूट लगा है? कल मैंने आपको सिखाया था। रेप्टाइल्स क्या होते हैं ये बताओ। और एक हम लोगों ने पढ़ा था क्या सर? एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन होते हैं। और देखिए बुकैप की एक खासियत होते हैं, वैकबुलरी की एक खासियत होती है, इसको जितनी बार पढ़ते हो, जितनी बार पढ़ते हो उतने आप बेहतर होते जाते हो। इसलिए ये ध्यान रखना आपको, इसको लगातार इसको रिवाइज करते हुए चलना है। मैमल्स क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। याद है कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऐसे ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को, यंग वंश को सकल कराते हैं। सकल कराने का मतलब होता है स्तनपान कराना, सकल कराने का मतलब स्तनपान कराना, दूध पिलाना, उनको क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। तो मैमल्स का मतलब क्या होता है सर? मैमल्स का मतलब क्या होता है? स्तनधारी होता है। स्तनधारी का मतलब आई होप होपफुली आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, एन एनिमल दैट गिव्स अ मिल्क, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं अपने यंग वंश को, उनको मैमल्स बोलते हैं। और देखिएगा बच्चा, दो वर्ड मैं आपको यहां पर कराता हूं। एक होता है ओवीपैरस, ओवीपैरस। एक होता है ओवीपैरस, और एक होता है बच्चा विवीपैरस, 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 विवीपैरस। क्लियर? ओवीपैरस और विवीपैरस। अब देखिए एनिमल से रिलेटेड है तो सारे के सारे वर्ड हम किसके एक किससे रिलेटेड कर रहे हैं बच्चा? वो उनको हम बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वेल्स के लिए यू वर्ड यूज कर सकते हो बच्चा। कौन है? प्रियंका, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई। देखिए ओवीपैरस और विवीपैरस दो तरीके के वर्ड यहाँ पर डिस्कस किए। और देखिए ये एक तरीका होता है कि आप एनिमल्स के सारे वर्ड एक साथ एग्जास्टिव उनकी लिस्ट बना लो और उनको गो थ्रू कर जाओ। बस एक तरीका ये भी होता है, सेम टाइप के ग्रुप बना लोगे तो हमेशा याद रहेंगे। देखिए ये जो ओवीपैरस है इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ओवम, और ओवम का मतलब क्या होता है सर? एग होता है। ओवम का मतलब क्या होता है सर? एग होता है। क्लियर? तो ओवीपैरस की अगर मैं बात करूँ तो सर ये क्या है? लास्ट में ओयूएस लगा है तो जनरली ये वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ओवी का मतलब क्या हो गया? एग से हो गया। ओवम का मतलब एग से हो गया। तो ऐसे एनिमल जो एग देते हैं, क्लियर, अंडा देने वाले हैं, उनको क्या बोलोगे? ओवीपैरस बोलोगे। लेकिन वी आई वी की बात करें सर, वी आई वी की बात करें तो इसका मतलब किससे होता है? लाइफ से होता है। जो लाइफ देते हैं इसका मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या होते हैं? वो वीवीपैरस होते हैं। ओयूएस इसमें भी लगा है।
अब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी कि कौन से सफिक्स लगने से क्या बनता है, और इन चीज़ों पर आपका फोकस भी होना चाहिए। चलिए, तो ये आई होप मैमल्स एक्वेटिक रेप्टाइल्स एम्फीबियंस क्लियर ये वर्ड, और इसी के अलावा ओविपैरल और विविपैरल, ये सारे वर्ड आपके 5-6 वर्ड रिलेटेड हैं एक दूसरे से। होपफुली सारे के सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही भाई बता रहे हैं, प्रियंका तिवारी, तुलिका सेन, बोथ आर राइट। चलिए अगले वाले पे आते हैं। मैनुस्क्रिप्ट, मैनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? देखिएगा इसको याद करने का तरीका, पहले इसका मतलब होता है हस्तलिखित। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? हस्तलिखित। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया हाथ से लिखी हुई कोई चीज, उसको बोलते हैं मैनुस्क्रिप्ट। अब ध्यान रखिएगा, देखिएगा एक ये आता है, अगर हम बात करें मैनुस की, ठीक है, मैनू की, तो ये इसका लेना देना किससे होता है? हैंड से। और SCRI, इसका मतलब किससे होता है? टू राइट से होता है। इसी से वर्ड बनते हैं प्रेस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, इसी से बनने वाले वर्ड हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? इसका मैनू का मतलब हैंड हो गया, और स्क्रिप्ट का मतलब लिखना हो गया। इसका मतलब जो चीज़ हैंड के द्वारा लिखी गई है उसी को क्या बोलोगे? उसी को क्या बोलोगे? मैनुस्क्रिप्ट बोलोगे। होपफुली ये बात आपको समझ आ रही होगी। हाँ, मैनुअली रिटन बाय हैंड, या इसी को 60 शब्दों में अगर कहोगे तो क्या कह सकते हो? मैनुअली कह सकते हो। बिल्कुल भाई, ये कैसा हो जाएगा? मैनुअली बाय हैंड कह सकते हो। ठीक है, तो इधर को डिस्क्राइब किया गया है, अ मैटर रिटन बाय हैंड, कोई भी ऐसा मैटर जो हाथ से लिखा हुआ है उसको क्या बोलोगे? मैनुस्क्रिप्ट बोलोगे। क्लियर? अच्छा चलिए अगले वाले वर्ड पे आते हैं। नोस्टैल्जिया का मतलब होता है पुरानी यादें। क्या भाई? पुरानी यादें, जो बचपन की यादें हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चा? नोस्टैल्जिया बोलते हैं। नोस्टैल्जिक इमेज कह सकते हो आप, पुरानी कोई इमेज जो आपको याद आ जाए। क्लियर? इसी तरीके से देखो, याद कैसे करोगे? जरा ध्यान से देखना, जब पहली बार अपने क्रश से मिले थे, वो मेमोरी आपको कभी भी भूलेगी नहीं। वो कैसी होगी? वो नोस्टैल्जिक इमेज होगी। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, नाश्ता लिया कहीं पर, एक बार किसी होटल में नाश्ता लिया था। भाई साहब क्या नाश्ता था, कितना सेवरी था, कितना यम्मी था, कितना स्वादिष्ट था, कि आज तक मैं उसको भूला नहीं। इसका मतलब वो कैसा था? नोस्टैल्जिया था। नोस्टैल्जिया का मतलब नाश्ता लिया, मतलब पुरानी यादें जो अभी तक भूली नहीं है उनको क्या बोलते हैं बच्चा? नोस्टैल्जिया बोलते हैं। होम सिकनेस, इसी को बोलते हैं बच्चा, होम सिकनेस। कई बार आपका सिनोनिमस एंटोनिमस में क्वेश्चन दे देता है, ये सिनोनिमस में ज्यादातर देता है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो गया? होम सिकनेस, या फिर मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पास्ट की मेमोरीज, उनको क्या बोलते हैं? नोस्टैल्जिया बोलते हैं बच्चा, ध्यान रखिएगा। चलिए वापस चलते हैं बच्चा अगले वाले वर्ड की तरफ। हाँ बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट, ओमनी प्रेजेंट। ये तो बड़े प्यारे प्यारे वर्ड हैं, मेरे ख्याल से सारे वर्ड ये कर लोगे। देखते हैं जरा, ओमनी वर्ड जो आता है बच्चा, वो किसके लिए आता है? ऑल के लिए आता है। और प्रेजेंट का मतलब आप जानते हो, जो सभी जगह प्रेजेंट है, जो ऑल प्रेजेंट है, जो एवरीवेयर प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हो? उसी को बोलते हैं बच्चा ओमनी प्रेजेंट। उसी को क्या बोलते हैं बच्चा? ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। यूबीक्विटस भी बोलते हैं इसको, यूबीक्विटस, ध्यान रखिएगा, यूबीक्विटस, वन हो प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज कॉल्ड यूबीक्विटस। और ध्यान रखिएगा, ओमनी से एक वर्ड ये आता है ओमनी बस, ये ध्यान रखिएगा, ये भी वर्ड आता है। एक ऐसा व्हीकल जो हर तरीके के कार्य में यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ओमनी बस बोलते हैं। और एक ऐसी बुक जिसमें किसी राइटर के सभी वर्क्स का जिक्र है, सभी के सारे वर्क्स इंक्लूड हैं, उसको भी बच्चा क्या बोलते हैं? ओमनी बस बोलते हैं। तो ओमनी बस दो तरीके से यूज किया जाता है, व्हीकल्स के लिए और वर्क्स के लिए, दोनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? चलिए ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए ओके, हाँ बिल्कुल भाई वैभव सही बता रहे हैं। चलिए ये बात क्लियर हो गई, तो ध्यान रखेंगे ओमनी प्रेजेंट क्लियर हो गया। क्या कह रहा है? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है, उसकी बात कर रहे हैं, जो पत्थर पत्थर पे हर कण में विद्यमान है, उसको क्या बोलते हैं? यूबीक्विटस भी बोलते हैं। ओमनी पोटेंट, पोटेंट वर्ड पोटेंसी के लिए आता है, पोटेंशियल मतलब पावर की बात करता है। और ओमनी का मतलब क्या हो गया? ऑल, जो ऑल पावरफुल है उसको क्या बोलते हैं? जो सर्वशक्तिशाली है, जो एलमाइटी है,
जो सबका सबका दाता है और सबका जो सर्वशक्तिशाली है उसको क्या बोलते हो, ओमनीपोटेंट बोलते हो, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो कैसा है सर्वशक्तिमान है उसी को क्या बोलते हो, ओमनीपोटेंट बोलते हो, ओमनीसिएंट। अब ध्यान से देखिएगा पोस्टमार्टम करते हैं बच्चा, ओमनी है एस सी आई वर्ड है, और एस सी आई वर्ड कहीं पर लगाते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू नो, इसका मतलब होता है टू नो, जानना। और इसी से जान करके आश्चर्य होगा कि इसी से वर्ड बनता है बच्चा क्या, साइंस। और साइंस से क्या होता है, एक तरीके से चीज़ों के बारे में जानना, चीज़ों का क्रमगत व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, ये विज्ञान की आप डेफिनेशन पढ़ते हो। तो साइंस वर्ड कहाँ से बना, इसी से बना है, एस सी आई से बना है। तो ओमनी का मतलब क्या हो गया, ऑल, और एस सी आई का मतलब क्या हो गया, नो, जो सब कुछ जानता है। भाई आप बताओ ना बताओ वो सब जान जाता है, ऐसे पर्सन को, ऐसे ईश्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनी सीएंट बोलते हैं। ओमनीसिएंट का मतलब वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज ऑल, जो सब कुछ जानता है, क्लियर, उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट बोलते हैं। चलिए अगले वाले वर्ड पे आते हैं, पैरेबल। पैरेबल का मतलब कहानी होती है, पैरेबल का मतलब एक छोटी कहानी जो हमें एक मॉरल लेसन देती है उसको पैरेबल कहते हैं। और बच्चा कहानी के लिए बहुत सारे वर्ड पहले मैंने आपको कराए थे, जरा एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। एक मैंने कराया था सर फैबल, जानवरों की कहानियाँ जो हमें एक मॉरल लेसन देती है उसको कर रहे थे, याद आ रहा होगा, एलेग्री किए थे, रिकॉल करा रहा हूँ, कल के सेशन में डिस्कस किए थे। सारी की सारी प्रतीकात्मक कथाएं जो सिंबल्स के माध्यम से डिनोट की जाती है उसको क्या बोलते हैं, एलेग्री बोलते हैं। अगर हम बात करें बैलड, तो बैलड भी कल मैंने डिस्कस किया था जब आला उदल की बात कर रहे थे कि वो बैलड क्या होते हैं, बैलड का मतलब होता है जो क्या है, जिनमें कथात्मक गीत है उसको बैलड बोलते हैं। और याद है एक और किए थे एलेजी, एलेजी का मतलब क्या था, शोक गीत था। तो होपफुली ये पैरेबल आपको समझ आ गया होगा, असॉल्ट स्टोरी विद अ मॉरल, कोई भी एक छोटी सी कहानी जो हमें क्या करती है, मॉरल लेसन देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। हाँ भाई बिल्कुल, फैबल भी कह सकते हो, पैरेबल हिस्ट्री भी कह सकते हो, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके, चलिए आइए। हाँ बिल्कुल प्रियंका, ये बात सही कह रहे हो, जो बात मॉम सब कुछ जान जाती है, जो गलतियां करते हैं सब कुछ जान जाते हैं, है ना। चलिए पेरेंट्स स्पेशली जान जाते हैं, पैरोल, ठीक है। पैरोल का मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई क्रिमिनल जेल में रह करके बहुत ही अच्छा कंडक्ट करता है, बहुत ही अच्छा कंडक्ट करता है, जिसके कारण उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसको कुछ दिन के लिए रिहाई मिल जाती है, कुछ दिन के लिए छूट मिल जाती है बाहर आने की, नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं लेकिन कुछ समय के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, पैरोल। और ये आप जानते हो, ये कोर्ट का भी एक वर्ड है, मतलब कोर्ट से रिलेटेड जो वैकबुली है उससे रिलेटेड ये वर्ड है, और इस तरीके कई वर्ड हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किए थे। चलिए तो पैरोल का मतलब क्या है, प्लेज ये बात की प्रतिज्ञा करके कि गिवन बाय अ प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज नॉट फॉर एस्केप, मतलब एस्केप करने के लिए नहीं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो रिहाई होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, पैरोल। जैसे संजय दत्त कुछ समय पहले जेल में थे तो उनको क्या था, उनको क्या था भाई, उनको क्या था, कुछ समय के लिए रिहाई दी गई थी, क्लियर, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, पैरोल, अच्छे व्यवहार के कारण, अच्छे कंडक्ट के कारण। पैनेसिया क्या क्या वर्ड है भाई, माइंड ब्लोइंग वर्ड है, और मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे पैनेसिया मतलब क्या कहते हो, राम बाण औषधि, क्या कहते हो भाई, राम बाण औषधि, क्या कहते हैं भाई, राम बाण औषधि, क्लियर, एक ऐसी मेडिसिन जो सब रोगों को ठीक कर दे, एक ऐसी मेडिसिन जो सब रोगों को ठीक कर दे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं भाई, पैनेसिया बोलते हैं। याद कैसे करोगे, ये पैन से याद कर सकते हो, पैन का मतलब क्या होता है, ये एक रूट है, और मीनिंग क्या होता है, ऑल, तो पैनेसिया का मतलब आप इसी से क्लियर कर सकते हो। तरीका नंबर फर्स्ट, तरीका नंबर सेकंड आप ये कह सकते हो, पान लिख सकते हो, ये क्या हो गया, पान, और क्या लिख सकते हो, एशिया, एशिया का जो पान है वो सभी तरीके के रोगों को ठीक कर देता है। और ये जो आप सेशन कर रहे हो ना, ये जो बुक कर रहे हो एस पी बक्सी, ये हर तरीके के इंग्लिश के रोग को ठीक करने वाली है, वो एक तरीके की क्या है, पैनेसिया है भाई साहब, पैनेसिया है, क्लियर, तो ध्यान रखिएगा पैनेसिया क्या है, सभी रोगों की दवा, रेमडी फॉर ऑल इलनेस, क्लियर, सभी तरीके के रोगों की दवा को हम लोग क्या बोलते हैं, पैनेसिया बोलते हैं, ठीक है।
चलिए ओके, समझ आ रही बात भाई? ठीक है, चलिए समझ आ रही बात, ओके। हाँ, रामबाण औषधि कह सकते हो बच्चा। चलिए, टेम्परेरी बेल होती है, सही बात है, पैरोल। पैनथीज्म कैसे करोगे बच्चा, जरा ध्यान से समझिएगा। पैन फिर से आ गया, तो पैन का मतलब क्या हो गया? अच्छा, इसको तोड़ो, कितने जगह से आप तोड़ सकते हो, तोड़ने की कोशिश करो पहले। हाँ बिल्कुल, ये भी कह सकते हो भाई। ठीक है, चलिए फिर वापस आते हैं। देखो, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं बच्चा। एक तो पैन से टूटा, ये वर्ड कहाँ से टूटा? पैन से। एक वर्ड THE से टूटा, एक वर्ड ISM से। तीनों को समझिएगा। पैन का मतलब क्या हो गया सर? पैन का मतलब हो गया ऑल, क्लियर। THE, थियो, थियो वर्ड किसके लिए आता है बच्चा? गॉड के लिए आता है, रिलीजन के लिए आता है, क्लियर। और ISM की अगर हम बात करें, ISM की बात करें, तो ये होता है बच्चा अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देता है। क्या बना देता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से IST लगाओगे, IST लगाओगे तो वो क्या बना देगा? वो कॉमन नाउन बना देगा। डिफरेंस ध्यान करके चलिएगा, ठीक है। ISM जो होगा वो क्या बना देगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देगा। IST जो होगा वो क्या बना देगा? कॉमन नाउन बना देगा। तो ये वर्ड क्या हो गया? पैन का मतलब ऑल, ठीक है, थियो का मतलब गॉड, ISM का मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब एक तरीके की आइडियोलॉजी, एक तरीके की ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें यह माना जाता है कि ईश्वर ही सब कुछ है। मतलब सभी ईश्वर को मानने के जो बिलीफ है, जो सिस्टम है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं पैनथीज्म। मतलब क्या कहोगे? सर्वेश्वरवाद, ठीक है, सर्वेश्वरवाद, ठीक है। मतलब सभी तरीके के ईश्वर को मानने की जो धारणा होती है उसको क्या बोलते हैं? पैनथीज्म बोलते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली के लोटस टेम्पल पे गए हो तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर किसी भी गॉड की स्टैचू नहीं है, क्लियर। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर सभी धर्मों के लोग जाते हैं, वहाँ पर पैनथीज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। पैनथीज्म का मतलब सभी तरीके के ईश्वर को मानने की जो धारणा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? पैनथीज्म बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये बताओ जरा पैनथीस्ट क्या होता है, तो आप इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार है कि आपको पता है कि केवल IST लग गया, और IST का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन। तो एक तरीके का ऐसा इंसान जो सभी तरीके के भगवानों को मानता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पैनथीस्ट बोलेंगे। तो आई होपफुली ये दोनों वर्ड आपको समझ आ गए होंगे। तो द बिलीफ दैट गॉड परवेट्स नेचर, ठीक है, द बिलीफ दैट गॉड परवेट्स नेचर, इसको आप बोलोगे। चलिए अगले वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पेडांटिक, पेडांटिक, पेडांटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है? बहुत ही ज्यादा पंडित होने का दिखावा करता है, उसको क्या बोलते हैं? पेडांटिक बोलते हैं। और वर्ड कहीं ना कहीं पंडित से मिलता जुलता है, तो याद कर सकते हो, जो अपने नॉलेज को बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करता है, क्लियर, उसको क्या बोलोगे? पेडांटिक बोलोगे। देखो क्या लिख रहा है यहां पर, लिख रहा है आईस्टाइल। आईस्टाइल मीन्स टू डिस्प्ले वंस नॉलेज, ठीक है, बात बात पे भाई, थोड़ी सी बात हुई, अपना जो ज्ञान है जो भरा हुआ है अंदर वो छलकने लगता है उसका, है ना। तो उस तरीके का पर्सन क्या कहलाता है? पेडांटिक कहलाता है, पंडिताऊ कह सकते हो आप, क्लियर, क्या कह सकते हो? पंडिताऊ, ठीक है। चलिए ओके, वाह, बात समझ में आ गई बच्चा। अगले वाले वर्ड की तरफ चलते हैं, प्लैजियारिज्म। अब तो देखो, देखते ही आप बता दोगे, इसमें तो आप बाहुबली हो गए हो भाई, इसमें बाहुबली हो गए। ISM जैसे दिखाई दिया, आपने कहा सर क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या सर? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे दिखाई दिया तुरंत पता चल गया। प्लैजियारिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चोरी। कैसी चोरी? साहित्यिक चोरी। क्या होती है भाई? इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। और साहित्यिक चोरी का मतलब क्या होता है ये समझिएगा, मतलब चोरी तो है लेकिन किसी के साहित्य की चोरी करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्लैजियारिज्म कहलाता है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे तो उसमें चासर का नाम आता है, और चासर सबसे बड़े प्लैजियारिस्ट थे। अब देखिए, मैंने कहा प्लैजियारिस्ट थे, अब इसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार है कि प्लैजियारिस्ट मतलब वर्ड किसमें खत्म हुआ सर? IST में खत्म हुआ, तो क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया। इवन यहां तक कि विलियम शेक्सपियर जो इतने बड़े राइटर हुए, इतने बड़े ड्रामेटिस्ट हुए, वो भी क्या है? वो भी एक प्लैजियारिस्ट रहे। उन्होंने भी दूसरे के वर्क को चोरी करके क्या किया? अपना टाइटल लगा दिया, और इतने बड़े राइटर बन गए कि आज लोग उनकी वर्शिप करते हैं। और ये ध्यान दीजिए बच्चा, उस समय के टाइम पर, 18th-19th century के टाइम पर शेक्सपियर ने बता दिया था आज की सोसाइटी के बारे में, उस समय मेंशन कर दिया था। इसका मतलब आप समझ सकते हो कितने बड़े राइटर रहे होंगे, क्लियर। तो समझ आ रही बच्चा? वो भी क्या थे? एक तरीके का प्लैजियर
प्लेजियरिस्ट थे, साहित्यिक चोर थे। तो प्लेजियरिज्म का मतलब क्या हो गया, साहित्यिक चोरी हो गई। आई होप ये वर्ड आपको समझ आ गया होगा। तो क्या कह रहा है, लिटरेरी थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब चोरी होता है बच्चा, आर पासिंग ऑफ एन ठीक है ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन, मतलब दूसरे के वर्क को चोरी करके खुद का वर्क बताना, यही क्या है साहित्यिक चोरी है। और बच्चा ध्यान रखना एक वर्ड और आता है चोरी के लिए, वो आता है पिल्फर या पिल्फरेज ठीक है, पिल्फर या पिल्फरेज ठीक है, पिल्फर कह लो या पिल्फरेज कह लो ठीक है, पिल्फर ही लिख लो। इसका मतलब क्या हो गया, साहित्यिक चोरी करना, क्या छोटी मोटी चोरी करना, छोटी मोटी चोरी करना क्या होता है, पिल्फर कहलाता है। तो पिल्फर का मतलब हो गया छोटी मोटी चोरी करना। अब कोई चम्मच चुरा ले जाए तो कैसा हो गया, चम्मच चोर हो गया, मतलब पिल्फर कर रहा है ठीक है, छोटी मोटी चोरी कर रहा है। चलिए वापस आते हैं बच्चा, प्लेटोनिक, प्लेटोनिक अभी मैं आपसे बात कर रहा था भाई ठीक है, प्यार करना है तो क्या, कौन सा प्यार करे, आत्मा वाला प्यार करे, आत्मीय प्यार करे है ना। तो वो क्या है, वो प्लेटोनिक है बच्चा। ये कैसा लव है, ये स्पिरिचुअल है। जो चीज कैसी है, स्पिरिचुअल है ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, प्लेटोनिक कहोगे। ये भौतिकता से दूर है, क्लियर। ये क्या है, भौतिकता को छोड़ करके जो स्पिरिचुअलिटी है उसको हम कहते हैं बच्चा प्लेटोनिक ठीक है। इसका मतलब प्लैनेट्स की तरफ, समथिंग स्पिरिचुअल, समथिंग स्पिरिचुअल, जो भी चीज, कोई भी चीज ऐसी जो स्पिरिचुअल है उसको क्या बोलते हैं, प्लेटोनिक बोलते हैं। पोर्टेबल, एबल मतलब योग्य हो गया, पोर्ट मतलब ले जाने योग्य, जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजिली कैरी कर सकते हो, इजिली ले जा सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल बोलते हैं। पहले के कंप्यूटर बहुत भारी भरकम हुआ करते थे, धीरे धीरे वर्जन जैसे जैसे बढ़ते गए तो आज के कंप्यूटर, मॉडर्न टाइम के कंप्यूटर कैसे हो गए, वो हो गए हमारे पोर्टेबल। उनको क्या कर सकते हो आप, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो। और यही कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा है, दैट कैन बी कैरीड इन हैंड, जिनको आप हाथों से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो वो क्या कहलाते हैं, वो प्लेटोनिक। हाँ बिल्कुल, प्लेटोनिक सिर्फ हो सकता है, प्लेटोनिक लैपटॉप हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये चीज देखिए बड़ी अच्छी है बच्चा, ये चीज बड़ी अच्छी है कि आप ये कर सकते हो, इनसे रिलेटेड फ्रेज बना रहे हो ठीक है, इनसे रिलेटेड फ्रेज बना रहे हो ठीक है। और ये बड़ी प्यारी बात है कि जब आप फ्रेज बनाने लगते हो तो वहां से आपकी लर्निंग इनहेंस हो जाती है। आइए अगले वर्ड की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब क्या होता है, पीने योग्य। एबल का मतलब तो योग होता है, और पॉट मतलब क्या हो गया, बर्तन। और बर्तन का मतलब यहां किससे ले लें, घड़े से ले लें। तो कोई घड़ा है जिसका पानी कैसा है, पोर्टेबल है, मतलब पीने योग्य है। तो याद हो जाएगा बच्चा, फिट टू बी ड्रिंक, जिसको पी सकते हो, जो पीने योग्य है, क्लियर, हाइजीन है, उसको क्या बोल सकते हो, पोर्टेबल बोल सकते हो। अब प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट करने का मतलब होता है एक तरीके से हम बात करते हैं जैसे रेफरेंडम आप यूज करते हो, तो इसका मतलब भी एक तरीके से क्या होता है, जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह का मतलब ये है कि जब आप पब्लिक वोटिंग करके ठीक है, कौन बेहतर है उसका पता लगाते हो ठीक है। तो प्लेबी मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक से मिल रहा है, देखो कीवर्ड बना रहे हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक, पब्लिक जो साइट कर रही है, साइट मतलब होता है उल्लेख करना, पब्लिक जिसको साइट कर रहे कि भाई इसको चुना जाए, वही क्या है, प्लेबी साइट करना है, क्लियर, कि भाई चलो चुनाव कर लेते हैं, किसका पड़ा भारी है ना। जो इलेक्शन का रिजल्ट होता है ना, उसके पहले क्या होता है, उसके पहले यही चीज़ें होती है ना। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, तो प्लेबिसाइट क्लियर हो गया बच्चा। देखो क्या कह रहा है, आ डिसीजन मेड अ पब्लिक वोटिंग, पब्लिक वोटिंग के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उसे को क्या बोलते हैं, प्लेबिसाइट बोलते हैं, या इसी को रेफरेंडम भी बोल सकते हो। स्यूडोनिम बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चा, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। देखिए निम का मतलब तो आप जानते हो, लेकिन स्यूडो का मीनिंग आपको सीखना पड़ेगा। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। जिस भी वर्ड के साथ आप स्यूडो लगा दोगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा, हाँ बिल्कुल पब्लिक चूज, बिल्कुल पब्लिक डिसीजन कह सकते हो एक तरीके से, ये बात बिल्कुल सही है ठीक है। चलिए तो स्यूडो का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फॉल्स होता है। और ओनिम या निम का मतलब, निम लिख लो या फिर ओनिम लिख लो, ओ नेम लिख लो, इसका मतलब क्या होता है, नेम होता है, इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स नेम हो गया, इसका मतलब झूठा नाम कह सकते हो, इसका मतलब रियल नेम नहीं, फिक्टिटियस नेम, इमेजिनरी नेम ठीक है। तो जब कोई ऑथर ठीक है किसी चीज़ को मेंशन करता है, किसी चीज़ का जिक्र करता है, तो रियल नाम का जिक्र ही नहीं करता है, वो क्या करता है, उसका एक पेन नेम ले लेता है, उसका एक फॉल्स नेम रखता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्यूडोनिम बोलते हैं। हाँ बिल्कुल फॉल्स नेम कह सकते हो बच्चा। क्या हो गया,
इसका मीनिंग हो गया फॉल्स नेम, जो झूठा नाम है। और कई बार फॉल्स नेम नहीं देगा बच्चा, क्या देगा? फिक्टिटियस, फिक्टिटियस नेम देगा। तो फिक्टिटियस का मतलब भी क्या होता है, इसका मीनिंग भी होता है फॉल्स। तो चाहे आप फिक्टिटियस नेम कहो या फॉल्स नेम कहो या इमेजिनरी नेम कहो, आप इसी को कह सकते हो क्या भाई, इमेजिनरी, क्या कह सकते हो, इमेजिनरी। क्लियर? ये देखो, ये कह सकते हो आप, इसका मतलब फिक्टिटियस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक होता है। भाई ध्यान देना, फिक्टिटियस वर्ड आप सुनते हो जब आप कोई भी, जब आप कोई भी प्ले वगैरह देखते हो, कोई भी सीरियल वगैरह देखते हो, तो उसके पहले आता है ऑल द करेक्टर्स आर फिक्टिटियस, ऑल द करेक्टर्स आर फिक्टिटियस, सभी के सभी जो करेक्टर हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यूज्ड बाय ऑथर टू डिस्गाइज हिमसेल्फ, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और तुलिका सेन भाई, यू बढ़िया बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन आथर, कोई भी इमेजिनरी नेम जो आथर के द्वारा अज्यूम कर लिया गया है उसी को क्या बोलते हैं, स्यूडोनिम बोलते हैं। अगले वाले वर्ड पे भाई, ये ना करें, ये दशा किसी को ना दे, और इससे तो हम बहुत दूर भागने लगे हैं ना, और इसका नाम सुन करके भी बहुत ज़्यादा रूह कांप जाती है। हालांकि 2 साल पहले अगर पूछा जाए तो बहुत कम लोग थे होंगे जो इससे फैमिलियर रहे होंगे क्वारंटाइन वर्ड से, लेकिन अब तो हर दूसरे तीसरे, जो तो यहाँ तक कि अब जो अनपढ़ भी है ना उन्हें भी पता होगा क्वारंटाइन क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्वारंटाइन का मतलब समझ पा रहे हो, द एक्ट ऑफ सेपरेशन, ठीक है, अपने को अलग करना फ्रॉम अ पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए अपने खुद को आइसोलेट करना ही एक तरीके का, ये क्या है, आइसोलेशन है, क्या है, आइसोलेशन है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वारंटीन। क्लियर? ये वर्ड लिख रहा है क्वाड रूप्ड लिख रहा है, क्वाड रूप्ड कैसे याद करोगे जरा ध्यान से समझो। देखो एक रूट कराता हूँ मैं आपको पीईडी, और बच्चा ये सारे रूट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। देखो पीईडी वर्ड जो आता है, एक तो ये आता है चाइल्ड के लिए, एक आता है चाइल्ड के लिए, और एक आता है बच्चा फुट के लिए, फुट मतलब क्या होता है, पैर, ठीक है। तो एक आता है चाइल्ड के लिए, एक आता है बच्चा किसके लिए, फुट के लिए आता है। क्लियर? दोनों के लिए आता है। तो अब देखो जरा यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे भाई, चलिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीडी का मतलब जो है वो फुट से है, क्लियर, और क्वाड, क्वाड का मतलब चार होता है। तो ऐसे जानवर जिनके चार पैर होते हैं, 4 feet होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्वाड रूप्ड बोलते हैं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए एक वर्ड ये लिखा है BIPED, सर ये क्या है, और ये वर्ड बताइए बच्चा सेंटीपीड लिखा है, इसका मतलब क्या है, बताइए दोनों वर्ड फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दोनों के मीनिंग क्या है। ये एक लिख रहा है आपका, एक लिख रहा है बाइब्ड, और एक लिख रहा है बच्चा क्या, एक लिख रहा है बच्चा क्या, एक दूसरा जो लिख रहा है वो लिख रहा है सेंटीपीड। दोनों के मीनिंग बताइए जरा फटाफट, मीनिंग बताइए आप फटाफट। चलिए तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए दोनों के मीनिंग। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, ठीक है। और लास्ट वाले का मीनिंग क्या होगा, लास्ट वाले का मीनिंग सेंटीपीड का मीनिंग क्या होगा, चलिए तुलिका सेन भाई आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। बाई का मतलब, बाई या डाई का मतलब दो होता है, बाई और डाई ये अगर कहीं लिखे मिलेंगे तो इनका मतलब क्या होता है सर, दो होता है, बाई या डाई का मतलब दो होता है। पीडी का मतलब क्या हो गया, फुट हो गया। तो ऐसे जानवर जिनके 2 पैर होते हैं, 2 feet होते हैं, उनको क्या बोलते हो, उनको बाइप्ड बोलते हैं। क्लियर? ये क्या होता है सेंटीपीड, सेंटीपीड किसी ने नहीं बताया बच्चा, सेंटीपीड का मतलब समझिएगा, सेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब होता है बच्चा कितना, 100 होता है, सेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। क्लियर? और जैसे सेंटीपीड, सेंट का मतलब 100 हो गया, और पीडी का मतलब क्या हो गया, फुट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जिसके 100 पैर हैं, जिसके 100 पैर हैं, 100 feet हैं, ठीक है, उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, ये भी एक तरीके का एनिमल होता है, ठीक है, सतपाया शायद इस तरीके कोई वर्ड बोलते हैं, सौपाया या सतपाया। क्लियर? इसको क्या कहोगे, इसको चौपाया बोलोगे पहले वाले को, 4 पैर है। क्लियर? तो आई होप ये दोनों तीनों वर्ड आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। और दिशांत भाई वेलकम है आपका, चलिए आइए अगले वर्ड की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, एन एनिमल विथ 4 feet, एक ऐसा जानवर जिसके 4 पैर है, उसको क्या बोलते हो, क्वाड रूप्ड बोलते हो।
अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट वर्ड है रेफरेंडम। अभी मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। इसका मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह। और इसी के लिए तो परेशान होते हैं भाई, तरह तरह के हथकंडे अलग अलग पार्टीज यूज करती है, ठीक है। कोई क्या होता है, डेमागॉग बन जाता है, बहुत भयंकर वाला है ना। तो ये क्या होता है, ये सब क्या होता है भाई, ये सब हथकंडे होते हैं रेफरेंडम को गेन करने के लिए। रेफरेंडम का मतलब क्या है, जनरल वोट ऑफ पब्लिक टू डिसाइड अ क्वेश्चन, क्लियर। और ये क्या, प्लेबिसाइट। अभी पीछे पढ़ करके आ रहे हैं तो दोनों वर्ड सेम है, प्लेबिसाइट कर लो ठीक है, या फिर आप क्या कह लो, रेफरेंडम कह लो, बोथ आर सेम, ठीक है। और रेगालिया क्या होता है, रेगालिया बड़ा अच्छा वर्ड है, प्यारा वर्ड है, समझिएगा। जब किसी को ड्रेस वगैरह पहना करके अवार्ड सेरेमनी पूरी क्या की जाती है, इनॉग्रेट की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, रेगालिया। तो क्या है ये, क्या है देखो जरा इसका मतलब, इसको अगर याद करना चाह रहे हो तो रंग लिया, रंग करके पूरी तरीके सजा करके किसी पर्सन को उसके अवार्ड शो को इनॉग्रेट किया जा रहा है, तो वो क्या है, वो रेगालिया है। जरा देखो इसका एक्सप्लेनेशन, देखो बेहतर समझ आएगा। ड्रेस विथ मेडल्स, मेडल्स के साथ उसको ड्रेसअप किया गया है, रिबन्स के साथ, बॉर्न एट द ऑफिशियल सेरेमनी। जो ऑफिशियल सेरेमनी है, ठीक है, वो जो ऑफिशियल सेरेमनी है उसमें क्या किया गया, उसको ड्रेस वगैरह पहना करके रिबन्स वगैरह वो किए जा रहे हैं, मेडल्स वगैरह दिए जा रहे हैं, उसको क्या बोलोगे, रेगालिया बोलोगे, क्लियर। और जो सेम वर्ड है, सिनोनिमस वर्ड है, ये क्या है, रेमेंट है। तो ध्यान रखिएगा बच्चा, दोनों वर्ड क्लियर हो गए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हो बच्चा, नाम मत लिया करो किसी का, नहीं हो सकता भाई दूसरा आपका कट्टर दुश्मन बैठा हो और तुम आपस में ये क्या करो, कमेंटबाजी करने लग जाओ, ठीक है। मैं द्वितीय विश्वयुद्ध तृतीय विश्वयुद्ध यहीं चालू कर दो आप, है तो ऐसी सिचुएशन ना आने पाए, ठीक है। इसलिए पार्टीज वगैरह से दूर रहा करो आप, ठीक। और मेरा तो मानना सिर्फ एक ही रहता है कि आप उस पार्टी को सपोर्ट करो जो आपके बारे में सोचे, जो स्टूडेंट के बारे में सोचे, जो टीचर के बारे में सोचे, क्लियर। उस पार्टी को आप सपोर्ट करो, वो कोई भी हो, ठीक है, डजंट मैटर। चलिए रेड टैपेज में की बात करते हैं। रेड टैपेज में क्या होता है, लाल फीता शाही, इसको जरा ध्यान से समझना, लाल फीता शाही, क्लियर। तो ये क्या होता है, जो ऑफिशियल वर्क होता है उसमें जो डिले होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड टैपेज बोलते हैं। समझाता हूँ मैं आपको कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में जो फाइल्स होती थी उनमें क्या होता था, एक लाल रिबन होता था, रेड रिबन होता था, और उस रेड रिबन को, ठीक है, लगा दिया जाता था बीच में, ठीक है। तो इस तरीके की जो फाइल्स हैं, इस तरीके की ये लगातार गर्दी गई, जैसे काम डिले होता गया तो ये फाइल के ऊपर फाइल गर्दी चली गई, और इस तरीके से ये रेड रिबन ही दिखाई पड़ता था, क्लियर। तो इसी चीज़ को कहा जाने लगा क्या, रेड टैपिज्म कहा जाने लगा बच्चा, क्या कहा जाने लगा, रेड टैपिज्म, लाल फीता शाही कहा जाने लगा। मीनिंग क्या है कि जब ऑफिशियल वर्ग निम्न वर्ग पर पूरी तरीके से हावी होता है और वो कार्य नहीं करता, तो उस केस में क्या होता है, कार्य में डिले होता जाता है और फाइलें जमा होती जाती हैं, तो केवल रेड रिबन हमें दिखाई देता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड टैपिज्म बोलते हैं। और एक इसका पूरा स्टेटमेंट जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है वो आता है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, रेड टैपेज बोलते हैं। आई होप होपफुली ये वर्ड आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है। लाल फीता शाही, हाँ बिल्कुल सही कह सकते हो, ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल। पेंडिंग वर्क ये भी कह सकते हो, तुलिका सेन, ओके। चलिए आइए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये देखिए वही लिख रहा है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज रिजल्टिंग इन डिले, क्लियर। तो इसका मतलब देरी होना काम में। ले अगले वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड ये रहा आपका सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब कल भी पढ़े थे अगर आपको याद रहा हो, ठीक है, कल भी पढ़े थे सैक्रिलेज, इसका मतलब क्या था, ईश निंदा, अगर आपको याद हो जब हम लोगों ने वर्ड एक किया था, कौन सा वर्ड किया था, वर्ड किया था हम लोगों ने ब्लैस्फेमी, अगर आपको याद रहा हो तो एक वर्ड किए थे ब्लैस्फेमी, और दोनों वर्ड सेम है, और दोनों का मतलब क्या होता है, ईश निंदा, क्या होता है, ईश निंदा, इसका मतलब ईश्वर के खिलाफ कुछ बोलना, गलत सलत बोलना, यही क्या है, ईश निंदा है। याद कैसे करोगे सर, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो कीवर्ड बना लिया हमने क्या, सैक्रेड, ठीक है,
सैक्रेड प्लस लेग, सैक्रेड प्लस लेग याद करने का तरीका बता रहा हूँ, निमोनिक से याद करिएगा। कोई सैक्रेड रिवर है, जो सैक्रेड रिवर है उसमें अपने पैर डाल करके उसको क्या किया आपने, अपवित्र कर दिया है। क्लियर? तो किसी चीज को, किसी पवित्र चीज को अपवित्र करना ही क्या कहलाता है, सैक्रिलेज कहलाता है। ये एक तरीके क्या है, प्रोफेनिटी है। बच्चा ध्यान देना, प्रोफेनिटी है, प्रोफेनिटी है, या फिर वायोलेशन है, वायोलेशन है, इसी चीज को आप कह सकते हो। क्लियर? तो ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए, तो ध्यान रखेंगे, किससे ध्यान रखेंगे, सैक्रेड प्लस लेग से, सैक्रेड प्लस लेग से। क्या कह रहा है, वायोलेटिंग, वायोलेट करना द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो चीज बहुत ही ज्यादा कैसी है, पवित्र है, होली है, उसी को सैंक्टिटी बोलते हो। ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, जो रिलीजियस चीजें हैं उनको क्या करना, अपवित्र करना ही क्या कहलाता है, सैक्रिलेज कहलाता है। क्या कहलाता है, सैक्रिलेज कहलाता है। क्लियर? सैक्रेड मीन पायस, हाँ बिल्कुल भाई, पवित्र कह सकते हो, सैक्रेड है, होली है, रिलीजियस है। देखिए ये वर्ड आप कह सकते हो, होली है, सैक्रेड है, सैक्रेड है, या फिर रिलीजियस है, रिलीजियस है। ठीक है? और एक वर्ड जो अभी यहां पर कर रहे थे, कौन सा, सैंसिटिटी। क्लियर? ये कह सकते हो आप। क्लियर? तो इन सभी का मतलब कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा पवित्र। क्लियर? चलिए आइए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये लिख रहा है साइनेक्योर, साइनेक्योर। ठीक है? पायस भी उसमें जोड़ सकते हो, बिल्कुल बच्चा, पायस एक वर्ड ये भी आता है, इसका मतलब भी क्या होता है, पवित्र होता है, तो उसमें और जोड़ सकते हो, ये वर्ड भी जोड़ सकते हो आप, क्या भाई, पायस। क्लियर? पार्वती के तरीके पवित्र। क्लियर? चलिए वापस आते हैं बच्चा अगले वाले वर्ड पे, साइनेक्योर। अरे हर व्यक्ति होना चाहता है आज की डेट में, साइनेक्योर जॉब हर एक को चाहिए। ठीक है? कि भाई क्या करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ साइन करने पड़े, बाकी कुछ ना करना पड़े, आराम से साइन किए, बाबूजी के तरीके गए, आराम से कुर्सी में बैठे, साइन किए और चले आए, है ना। तो इस तरीके के जॉब, एवरीवन वांट्स साइनेक्योर जॉब, हर एक व्यक्ति को चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिसमें सैलरी बहुत ज्यादा है, काम बहुत कम है, उसको बोलते हैं साइनेक्योर बोलते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब याद कैसे करोगे बच्चा, देखो इसका मतलब कैसे याद करोगे, देखो कीवर्ड्स बना रहे हैं यहाँ पर, क्या कीवर्ड्स बना है, साइन करो, साइन करो। ठीक है? इसका मतलब क्या किया बच्चा, साइन करो घर जाओ, साइन करो घर जाओ। क्लियर? तो इस तरीके के जो जॉब होती है वो कैसी होती है, साइनेक्योर होती है। सैलरी बहुत ज़्यादा है, प्राइमरी टीचर को ले लो भाई, कितना ज़्यादा हाई सैलरी उठा रहे हैं ना, और काम कितना है। हालांकि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, है ना, सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है कि भाई सैलरी बहुत ज़्यादा, काम बिल्कुल नाम मात्र, बिल्कुल। अब तो कोविड के समय में इनको पढ़ाना भी नहीं पड़ता है ना, तो बहुत अच्छी बात है, हैं। तो ये तो सीधे सीधे फ्री के सैलरी उठाते हैं। तो चलिए, मेरे मिलने वाले कई ऐसे मित्र हैं जो टीचर हैं, वो कहते हैं सर मुझे, हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमारे बच्चे कौन है, जिन स्टूडेंट को हमें पढ़ाना है वो बच्चे कौन है, उन्हें ये तक नहीं पता है, मतलब इस लेवल की। ठीक है? चलिए ओके, बात समझ में आ रही बच्चा, हाँ बिल्कुल, लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो क्या कहना चाह रहा है, अ जॉब विथ हाई सैलरी, सैलरी बहुत ज़्यादा है भाई, 50-60-70 हज़ार 80 हज़ार उठा रहे हैं आराम से, इतनी सैलरी, बट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम मात्र है, इसी तरीके का पर्सन क्या कहलाता है, साइनेक्योर कहलाता है। ध्यान रखना, इसी तरीके का एक idiom आता है बच्चा, क्या, एन आर्म चेयर जॉब। क्या आता है, एन आर्म चेयर जॉब, और ये कैसी जॉब होती है भाई आराम से कुर्सी तोड़ने वाली जॉब है, और सब कोई चाहता है, मिलती किस कुछ को ही है, चाहते सब है भाई। ठीक है? किस तरीके से इस तरीके की जॉब मिल जाए। चलिए वापस चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, साइनेक्योर याद हो गया होगा, सॉलिलोक्यू, जो बहुत ही अलूफ टाइप का पर्सन होता है, जो अकेले रहता है, वो क्या करता है, मनी मन बातें करता रहता है, छोड़ूंगा नहीं उसको, देख लूंगा, है ना, मनी मन उसके मनगढ़ंत कहानी चल रही है उसके अंदर अंदर, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिलोक्यू कहते हैं। खुद से बात करना, अपने आप से बात करना क्या कहलाता है, सॉलिलोक्यू कहलाता है। और ध्यान रखना, सोलो वर्ड किसके लिए आता है, सिंगल के लिए आता है, सोलो वर्ड सिंगल के लिए आता है, ध्यान रखना। जैसे सोलो डांस बोलते हो ना, सोलो डांस का मतलब क्या है, सिंगल व्यक्ति का डांस, सोलो डांस हो गया। सोलो परफॉर्मेंस मतलब सिंगल व्यक्ति की परफॉर्मेंस, उसको क्या बोलते हो, सोलो। क्लियर? लॉक करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बोलना। तो इसका मतलब सोलिलोक्यू का मतलब क्या हो गया, अकेले बोलना, मतलब अपने आप से बातें करना, टू टॉक वन सेल्फ, खुद से बातें करना, इसी को क्या बोलते हैं,
लॉक क्यों बोलते हैं? आई स्पीच मेड व्हेन वन इज अलोन, अकेले में चुपचाप अपने आप से बात करना सोलिलोक्यू कहलाता है। चले सोपोरिफिक, सोपोरिफिक बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, सोपोरिफिक जो है वो बहुत ही प्यारा वर्ड है, क्लियर हो सकता है भाई। चले सोपोरिफिक का मतलब देखो, इसको कैसे याद कराता हूँ मैं आपको, सोपोरिफिक पिल्स, सोपोरिफिक पिल्स, क्लियर। अब देखो कई लोगों को नींद नहीं आती, बेचारे बड़े टेंशन में रहते हैं, तो क्या करते हैं, नींद की दवा खाते हैं ना, उन्हें ये नहीं पता है कि दिन भर तबा तोड़ तरीके से काम करो ऑटोमेटिक नींद आएगी, ठीक है। और नहीं नींद ना आए तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे नॉवल उठा लो इंग्लिश के जो बिल्कुल आपको समझ ना आए, जो बिल्कुल हवा हवाई हो, तो मुश्किल से 10 मिनट तब लगेंगे जब आपको बहुत बढ़िया भयंकर वाली नींद आने लगेगी, ठीक है, फील करोगे आप बहुत ज़्यादा नींद को, क्लियर। तो सोपोरिफिक का मतलब, पिल्स का मतलब क्या हो गया, देखो इसी से याद कराते हैं पिल्स से, तो ऐसी पिल्स जो आपको क्या करते हैं, नींद दिला देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोपोरिफिक पिल्स बोलते हैं। बचपन में जब नींद नहीं आती थी तो माँ क्या करती थी, लोरी सुनाती थी, ठीक है, मम्मी क्या करते थे, लोरी सुनाते थे, तो वो क्या है, वो लोरी क्या है, वो सोपोरिफिक है, वो क्या दिला दे रहे, नींद दिला दे रहे। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो नींद दिलाने का काम करती है उसको क्या बोलते हैं, सोपोरिफिक बोलते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आप मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, जो क्या करे, एक तरीके की मेडिसिन जो नींद दिलाने का काम करती है उसको क्या बोलते हैं, सोपोरिफिक बोलते हैं। चले अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चा, सोवेनिर, सोवेनिर का मतलब क्या होता है, इसको अगर ध्यान से समझोगे तो आई थिंक कैप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, कोई भी एक ऐसी इवेंट जो आपकी मेमोरी में बनी हुई है, मतलब इसको क्या कह सकते हो, स्मृति चिन्ह कह सकते हो, क्या कह सकते हो, स्मृति चिन्ह कह सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सोवेनिर बोलते हैं। तो सूरवीर, इसको कैसे याद करोगे भाई, कीवर्ड्स बना लिया, कीवर्ड्स क्या बना लिया, सूरवीर, सूरवीरों के जो चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारी मेमोरी में बने रहते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सोवेनिर बोलते हैं, ठीक है। चलिए ओके, हाँ बिल्कुल सही कह सकते हो, सुमनम बुलेज में, वो तो नींद में चलने वाला होता है भाई। स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति की जो आखिरी रचना होती है, लास्ट जो उसका कंपोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वान सॉन्ग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, स्वान सॉन्ग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चा, स्वान सॉन्ग कहते हैं, क्लियर। किसी व्यक्ति की जो लास्ट, किसी व्यक्ति का जो लास्ट वर्क है, लास्ट जो कंपोजिशन है उसी को वो क्या बोलते हैं, स्वान सॉन्ग बोलते हैं। सॉन्ग से याद करो, किसी व्यक्ति का आखिरी सॉन्ग जो लास्ट कंपोजिशन उसका था, जैसे अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर का जो आखिरी वर्क रहा होगा वो क्या कहलाएगा, वो स्वान सॉन्ग कहलाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, चलिए आइए अगले वाले वर्ड पे भाई। यहाँ हाय हेलो ना करो, ब्लॉक करवा दूंगा मैं, ध्यान दो। द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ अ राइटर एंड आर्टिस्ट, तो जो किसी भी राइटर या आर्टिस्ट का, जो किसी भी राइटर या आर्टिस्ट का आखिरी वर्क है उसी को क्या बोलते हैं, स्वान सॉन्ग बोलते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए अगले वर्ड पे चलते हैं बच्चा, सोलर, और अभी पढ़े थे हम लोग क्या, लूनर, तो लूनर किससे संबंधित होता है, चंद्रमा से, और सोलर किससे संबंधित होता है, सूर्य से, क्लियर। तो द थिंग्स रिलेटेड टू सन, द थिंग्स रिलेटेड टू सन, क्लियर, द थिंग्स रिलेटेड टू सन, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सोलर, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, सोलर ऑफ द सन या द थिंग्स रिलेटेड टू सन, क्लियर। ये बात भी अभी डिस्कस किए थे, आइए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंट। ये तीन वर्ड आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये तीन वर्ड आप ध्यान रखिएगा, एक सोलर है, एक हाँ बिल्कुल सोलर सिस्टम कह सकते हो, सोलर रिलेटेड टू सन होता है, ये बात भी कह सकते हो आप, क्लियर। तो देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब तो आप जानते हो, जो पारदर्शक है, इसी तरीके का वर्ड आता है ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है, यह पारदर्शक होता है, जिससे होकर किसी चीज़ को देख सकते हो वो ट्रांसपेरेंट है, जिससे होकर के किसी चीज़ को नहीं देख सकते हो वो क्या है, ओपेक है, ठीक है, ओपेक, ठीक है, जो चीज़ ओ ओ प्लस पैक, कोई चीज, अरे कोई चीज जो है वो कैसी है, पैक है, क्लियर, तो कैसी है वो दिखाई नहीं देगी, है ना, तो इसका मतलब ओपेक मतलब अपारदर्शी। एक और आता है ट्रांसलूशेंट आता है, ट्रांसलूशेंट का मतलब क्या होता है, जो अल्प पारदर्शक होता है, जिससे हो करके लाइट का कुछ ही भाग पास हो सकता है, क्लियर। जैसे मान लो कोई ये ग्लास है, इससे कुछ पार्ट जो लाइट का है वो यहाँ से इमिट हो जा रहा है, क्लियर, इसका मतलब क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जा रहा है, तो इसको ये कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर एक तरफ आप क्या करो,
पॉलिश कर दो तो क्या हो जाएगा, फिर वो कैसा ओपेक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भाग एक ओर से दूसरी ओर जा रहा है, बाकी नहीं जा रहा है, ठीक है ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलूशेंट बोलेंगे। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलूशेंट बोलेंगे। दैट कैन बी सीन थ्रू, जिससे होकर के देखा जा सकता है। और इसका एंटोनिम क्या होता है, ओपेक होता है। मैं आपसे क्वेश्चन कुछ और करना चाहता हूँ कि दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी सीन, That cannot be seen, ठीक है। मान ली इसका इसका आंसर बताइए, आप क्या करोगे, इसका आंसर बताओ। That cannot be seen, जिससे होकर ना देखा जा सके उसको क्या बोलोगे। Venial का मतलब कोई भी एक ऐसा अपराध, जो एक ऐसी गलती जो क्षमा करने योग्य है, जो क्षमा करने योग्य है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं venial। venial का मतलब कोई मिस्टेक, ये खास तौर से किसके लिए आता है, मिस्टेक के लिए आता है। कोई एक ऐसी गलती जो क्षमा करने योग्य है, क्षम है, उसी को क्या बोलते हैं, venial बोलते हैं। अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, कोई भी एक ऐसी गलती जो जिसको आसानी से क्या किया जा सकते हैं, माफ किया जा सकता है, उसको बोलते हैं क्या, venial। वर्बैटिम, वर्बैटिम देखो एक बात समझना है यहाँ पे, ये वर्ड वर्ब से बना है और वर्ब एक रूट होता है, बच्चा ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है वर्ड। वर्ब का मतलब किससे होता है, वर्ड से होता है। वर्ब का मतलब किससे होता है, वर्ड से होता है बच्चा, ठीक है, वर्ड। चलिए तो ये बात समझिएगा, वर्ब का मतलब वर्ड से होता है। तो वर्बैटिम का मतलब होता है ज्यों का त्यों, इसका मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड, इसका मीनिंग होता है वर्ड फॉर वर्ड, इसका मतलब जैसा है ज्यों का त्यों, एज इट इज, लिखना या बोलना, उसी को बोलते हैं वर्बैटिम। मतलब होता है बच्चा शब्द सा, क्या होता है, शब्द सा, ज्यों का त्यों, कहना बोलना लिखना, इसी चीज को बोलते हैं वर्बैटिम। और कैसे याद करोगे, वर्ब लगाए, और वर्ब का मतलब किससे होता है सर, वर्ड से होता है। और ध्यान रखिएगा, इसी तरीके का एक वर्ड आता है वर्बीएज होता है, वर्बीएज का मतलब क्या होता है सर, इसमें भी वर्ब लगाए, इसका मतलब आवश्यकता से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना, आवश्यकता से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है। टू मतलब यूज मोर देन वर्ड्स रिक्वायर, यूज मोर देन वर्ड रिक्वायर, मोर देन वर्ड्स, मोर देन वर्ड्स रिक्वायर, आवश्यकता से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, वर्ब बी एच कहलाता है। और बच्चा ध्यान देना, एक वर्ड और बता रहा हूँ मैं आपको, ये वर्ड है आपका वर्बस। जरा फटाफट कमेंट करके बताओ वर्बस क्या होता है, वर्बस क्या होता है, फटाफट बताओ वर्बस क्या होता है, ठीक है। चलिए, वन हु टॉक्स टू मच, बताओ भाई फटाफट बताओ, वन हु टॉक्स टू मच, क्या इसी में से मैंने कोई लिखा है, बताओ जरा फटाफट, ठीक है। चलिए, वर्बैटिम सेम सेम, बिल्कुल सही भाई। अगले वाले पे आते हो, देखो यही लिख रहा है, रेपिटेशन ऑफ अ स्पीच आर अ रिटन वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड बाय वर्ड अलग फ्रेज है, वर्ड फॉर वर्ड अलग फ्रेज है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, यूटोपिया, क्या प्यारा वर्ड है, मजेदार वर्ड है, ध्यान से सुनना, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, बातूनी। अरे तुमने तो बिल्कुल सही काम किया, जो ज्यादा बोले वो बातूनी है, अरे इंग्लिश में बताना है, इंग्लिश में पगले हो। चलो, यूटोपिया को देखो कैसे याद करोगे, इसका मीनिंग होता है राम राज्य, लेकिन याद करने का तरीका देखो कितना माइंड ब्लोइंग है, राम राज्य, क्लियर। अच्छा, ये वर्ड जो है बच्चा, इसको चाहो तो आप ऐसे लिखो, यूटोपिया ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों लिखे जा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप याद कर सकते हो, ईयू एक रूट होता है और ईयू का मतलब क्या होता है, गुड होता है ना। तो जहाँ पर सब कुछ गुड गुड है, बढ़िया बढ़िया है, एवरीथिंग इज वेल, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं, राम राज्य कहते हैं, गांधी जी ने इसकी संकल्पना की थी, है ना। चलो, नहीं याद हुआ, वैसे ये कैसा प्लेस है, इमेजिनरी प्लेस है, ध्यान देना, ये क्या है, ये इमेजिनरी प्लेस है। और इमेजिनरी प्लेस क्यों है, क्योंकि 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 ये रियल में पॉसिबल नहीं है। और बच्चे, याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत माइंड ब्लोइंग, अगर ऐसे नहीं याद हुआ तो आप इसको ऐसे याद करना, कीवर्ड बता रहे भाई, उठोपिया, उठोपिया, क्लियर। अब मान लिया इस समय कर रहे हो तैयारी, अचानक से नींद लग गई, झपकी आ गई, और सपने में देख रहे हो कि भाई मेरी बढ़िया से अच्छी सी सुंदर सी राजकुमारी के साथ शादी हुई है, और सुबह सुबह कप का चाय का प्याला लेकर के कह रही है भाई उठो पिया, है ना। तो ये क्या सोच रहे हो, ये तुम नींद में सोच रहे हो, ठीक है, जो कि रियल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, यूटोपिया, उठो पिया, याद रहेगा भाई,
चल तो ये कैसे करोगे, एन इमेजिनरी लैंड या प्लेस विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर, जहाँ पर सब कुछ बढ़िया हो, हर एक व्यक्ति खुश हो, किसी को किसी तरीके का कोई दुख दर्द तकलीफ ना हो, उस तरीके के इंसान, उस तरीके के प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरीके के प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, वन हु टू, देखो चलो मैं तुम्हारे आंसर बता देता हूँ भाई, तुम बहुत परेशान हो। देखो एक तो अभी किए थे बच्चा वर्बस, वर्बस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, क्लियर, या फिर इसी को क्या बोलते हो बच्चा, टॉकेटिव बोलते हो, टॉकेटिव बोलते हो, क्लियर, या फिर क्या बोलते हो, गैरुलस बोलते हो, गैरुलस बोलते हो, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, क्लियर, बहुत ज़्यादा खाने वाला, तो वो पता है तुम्हें। चलो फिलहाल ये इस तरीके के बीच बीच में मत पूछा करो, वोरासियस है या फिर ग्लटन है, या फिर गिल्टन है, सारे वर्ड पढ़ा चुका हूँ बच्चा, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, क्लियर, ये कैसे होते हैं, ये बहुत खाने वाले पर्सन होते हैं, क्लियर। चलो फिलहाल तुम बताता नहीं तो तुम कहते कि भाई आता नहीं होगा मास्टर को, इसलिए नहीं बता रहा है ना, चलिए आए हाँ बढ़िया बात है, चलो तो ये बात समझ में आ गई, यूटोपिया ये वर्ड क्लियर हो गया। जूडोइक, जूडोइक का मतलब क्या होता है बच्चा, जूडोइक का मतलब देखते हैं, दिस इज द लास्ट वर्ड, आई थिंक ये आज का आखिरी वर्ड है, कह रहा है आ डायग्राम शोविंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, द पाथ ऑफ प्लैनेट, जैसे राशि, राशि देखते हो, राशि तंत्र, राशि चक्र जो होता है उसी को जूडोइक बोलते हैं, है ना, तो क्या भाई तुला है और क्या क्या है मुझे तो पता भी नहीं है, वैसे इसमें ये भी आता है शुक्र है, राहु है, ठीक है, इसमें एक्चुअल इसका मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ, देखो एक बात समझना, जूडोइक को किससे कीवर्ड बना लिया भाई, जूडी, जूडी, जूडोइक, थोड़ा मिलता जुलता है तो इसी से बना लिया हमने, है ना। तो जैसे मान लो सपोज दैट आप ये कहते हो भाई कि लड़का अगर मांगलिक है तो लड़के भी मांगलिक होने चाहिए, इस तरीके के जो आप धारणा बना करके रखे हो ना, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, जूडोइक के अंतर्गत आते हैं, क्लियर। तो ये क्या है, ये एक तरीके के राशि को बताने के लिए हम क्या करते हैं, जूडोइक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जूडोइक साइंस, जूडोइक प्ले, हाँ बिल्कुल सही। देखो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब आप फ्रेजेस बनाने लग गए हैं, ठीक है, चलिए ये अच्छी बात है कि आप ये फ्रेजेस धीरे धीरे बनाने लग गए हैं। चले तो मेरे ख्याल से रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं, और कल हम लोग प्रपोजिशन के टॉपिक को जहाँ पर छोड़े थे वहीं से हम लोग क्या करेंगे बच्चा, प्रोसीड करेंगे, प्रपोजिशन के टॉपिक को जहाँ से छोड़े थे वहीं से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए 5 मिनट लेकर के एक बार रिवाइज कर ले, बताइए आप फटाफट बताइए बच्चा, 5 मिनट लेकर के हम लोग चलिए नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अब लगातार आपका चलना है, ठीक है, ईडीएम्स भी जल्दी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो एक बार अगर आप बताओ तो मैं रिवाइज करा दूं, अगर हो गए हो तो ठीक, दैट्स इट, चलिए ठीक है, ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में, और कल के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल बच्चा प्रपोजिशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक्सरसाइज बची हुई है, एक एक्सरसाइज बची हुई है, ठीक है, उस एक्सरसाइज को खत्म करके फिर नए टॉपिक की तरफ हम लोग उसमें प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के देखिए एक बात और बच्चा, सेशन को आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, बहुत ही गंदी बात है, आपको बुरे बुरे सपने आएंगे रात में, ठीक है, और ये समझ लो और रात में मैं ही भूत बन करके दिखने वाला हूँ, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम लाइक करना है, शेयर करना है सभी बच्चों के साथ, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, जय हिंद।